रिपुन खातून है। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम कॉलोनी पाका बेदबरी पड़ता है। बरपटा डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्लड ने क्या क्या डैमेज किया आपका? हम लोग का बहुत सामान नुकसान हो गया। कितना सामान में पानी में बिक गया। और तो नहीं है, का भी खरीद करने पड़ेगा। तो आप लोग कितनी दिन रोड पे रहा? हम लोग रोड पे एक सप्ताह में हो गया, एक सप्ताह ज्यादा भी हो गया। तो अभी देखा थे कि आप लोगों का जो खाना पीना था यहाँ पर, सामान, चावल, हाँ सब कुछ डैमेज हो गया। चावल मावल और धान छान है। तो खाने पीने का आप लोगों का क्या इंतजाम हुआ था जब रोड पर थे आप लोग? रोड पे तो कुछ दिन में खाना भी मिलता है, कुछ दिन खाना भी नहीं मिलता है, ऐसे रहते भूख में। तो आपके परिवार में कौन कौन है? हमारा परिवार, हमारा सासुरी माँ है, दो देवर भी है, एक पोती भी है और बच्चा एक लड़का भी है और आपका हस्बैंड? और हस्बैंड है। तो अभी देखा जाए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बीमार भी हुए। हाँ बीमार भी हो रहा है, बुखार होता है। तो मेडिसिन वगैरह ये सब सरकार की तरफ से दिया गया क्या? नहीं दिया, नहीं सरकारी से नहीं दिया। सरकार के लोग आप लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे? नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने के लिए, कोई मिलने नहीं आया। तो आप लोग अभी यहाँ पर घर में पानी कम होने के बाद आप लोग घर पर आए? हाँ घर पे आया था। तो देखा कि सब कुछ सामान, सबको सामान, सबको गर्भवत हो गया। आप लोगों का जो खेती बाती, खेती जो माटी था वो भी पानी में अभी भी? हाँ पानी में है वो लोग। तो बहुत सारी तकलीफ का सामना कर? हाँ। का नाम? आयमुना। आयमुन? आयमुना। आयमुना। अच्छा, इस गांव का क्या नाम है? पाका बेदबरी। पाका बेदबरी। हाँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बरपटा। तो आप लोगों का क्या क्या सामान नुकसान हुआ? कितना सामान नुकसान हुआ? बहुत सारा चीज नुकसान हुआ। जो सूटकेस था वो भी चले गया, बहुत सारा चीज। तो घर का पूरा सामान? हाँ, कोई आधा चीज तो नहीं है, घर का आधा चीज ही नहीं है। तो ये चावल धान ये सब कुछ? ये सब कुछ तो भीग वो नदी में भीग गया था, वो पानी में, वहाँ से काट के लेके आया, फिर रास्ते पे लिया, रास्ते पे लेके फिर घर पे लेके आया। तो कितने दिन तक रोड पर रहा आप लोगों ने? बहुत दिन तक, हाँ जब तक पानी आया है। आप लोग तो देख रही है पानी जब तक आ रहा है तब तक तो डूब रहा है, डूबता नहीं तो रास्ते पे क्यों जाता आदमी? तो वही बेसत से ले रास्ते जाता है, ऐसे ही रास्ते जाएगा। वहाँ पर खाना पीना का? खाना पीना जो आएगा वही तो खाऊंगा। सरकार की तरफ से मिला आपको? मिलता है, आधा तो दूसरे लोग ही ले जाता है। थोड़ा। हाँ थोड़ा मिलता है। आपके आपके फैमिली में कौन कौन है परिवार में? मैं हूँ, मेरा सास है, मेरा ससुर नहीं है, मेरा सास है, मैं हूँ, मेरा पति है और एक बेटी है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग भी बीमार हुए हैं? हाँ। तो मेडिसिन वगैरह ये सब कुछ सरकार की तरफ से मिल रहा है? नहीं मिला, नहीं मिला। तो आप लोग अभी जो फ्लड ने आप लोगों को डैमेज किया है तो उससे फिर से आप लोगों को देना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, वो तो हमें मिलना चाहिए, हमको नहीं जाता तो ये सब कैसे मिलेगा? काम करेंगे जब भी तो मिलेगा, मेहनत से काम करता है फिर से खाना पाता हूँ। क्या काम करते हैं आपके? मिस्त्री काम करता है, ये बारिश में मिस्त्री काम थोड़ी ना होता है, बाहर होता है अंदर होता है। तो हम लोग का बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ता है? हाँ, गरीब इसलिए तो करना पड़ता है, अमीर होता थोड़ी ना करता।